लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइव थिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर ये फाइव थिंग हम अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सफलता के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा ड्रीम बिग, मतलब बड़े सपने देखो। बड़े सपने देखने के कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, मैं गारंटी देता हूँ आपको। अब फाजिल सपने तो बड़े हम देख लें, लेकिन बड़े सपने देखने से क्या फ़ायदा? एक तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बड़े सपने देखने से जो लोग डरते हैं ना, उसका आपको क्या फ़ायदा है? मतलब उसका कोई पैसा लग रहा है? अगर आप बड़ा सोचते हैं, बड़े आपके सपने हैं, लाइक के मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट है नहीं है, उससे क्या होगा कि एक अपनी लाइफ में आप एक वैल्यू ऐड कर दोगे, लाइक के मैं भी मतलब वो सपने देख रहा हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, तो वहाँ पर एक वैल्यू भी आप क्रिएट कर लेते हैं अपनी। तो बड़े सपने हमेशा देखने चाहिए आपको, उससे क्या होगा कि जब तक आप बड़े सपने नहीं देखेंगे, क्या लगता है आपको कि आप वो अचीवमेंट ले लेंगे? तो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ भी अगर लाइफ में बड़ा करना है, कुछ भी अचीव करना है आपको, तो सोचना पड़ेगा पहले। वहीं पर सेकंड पॉइंट बताना चाहूँगा, स्किल्स ओवर एजुकेशन। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, अब पढ़ा लिखा कम हूँ तो मैं लाइफ में ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं सकता, मैं ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता, ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, एक ज़्यादा अच्छी लाइफ में नहीं जी पाऊँगा। तो ये चीज़ आप माइंड से बिल्कुल निकाल दें। अगर किसी भी आप सेलिब्रिटी की बात करेंगे तो वो जाने कितने, कई सेलिब्रिटी ऐसे हैं, कई एक्टर्स ऐसे हैं, कई हमारे प्लेयर ऐसे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। आपके अंदर अगर स्किल्स हैं, आप अपने ऊपर अगर काम करते हैं, आपने लाइक अपने आप को अच्छे से डेवलप किया है, अपने अच्छी क्वालिटी अपने अंदर एड ऑन किए हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो ये जो फितूर है आपके माइंड का, इसे आप निकाल दीजिए। वहीं पर थर्ड थिंग जो आपने लाइक क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, क्वालिटी रूल्स। हमेशा जो रूल्स आप अपनी लाइफ में बनाओ, उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए किन चीज़ों से मेरा फ़ायदा है, किन चीज़ों से मेरे हेल्थ के बेनिफिट हैं, किन चीज़ों से मेरे स्किल्स पे अच्छा काम कर सकता हूँ, किन चीज़ों से मैं जो ड्रीम्स मैंने देखे हैं, जिन चीज़ों को मैंने अचीव करना है, तो उन चीज़ों पर मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। तो अपने जो रूल बनाने हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग बनाने हैं, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बनाने हैं, ना कि किसी और की तरह। हर किसी के लाइफ के रूल्स अलग होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी के काम करने के तरीके अलग होते हैं। तो आपने जो रूल्स बनाने हैं, उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो आपको हेल्प करें आपके ड्रीम्स को अचीव करने में, आपके गोल को अचीव करने में। वहीं पर फोर्थ पॉइंट है ओवरकम फ्रॉम प्रॉब्लम। ओवरकम तो करना चाहते हैं प्रॉब्लम से, लेकिन कैसे करें? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपको प्रॉब्लम से लाइक ओवरकम करना है, प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है लाइफ में? जब हम कुछ भी नया करना चाहते हैं लाइफ में, या हम कुछ करते होते हैं, तो वहाँ पर हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, हमारे सामने फेलियर आते हैं, बहुत सारी इंसिडेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लाइफ में कि ये मेरे साथ होगा। तो हमें वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको सबसे पहले करना है कि जो आपको लाइक फेलियर है या जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, उन्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपको रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वहाँ पर अगर आप रिजेक्शन को जब लाइक एक्सेप्ट करना जानते हैं, आप जो प्रॉब्लम आ रही है उन चीज़ों को एक्सेप्ट अगर आपसे करना आता है, तो आपको जो प्रॉब्लम आने वाली हैं या उनसे आप ओवरकम आसानी से कर लोगे। तो फिफ्थ पॉइंट है नेवर गिव अप। आपने मतलब जब एक चीज़ कर ली है, आप काफ़ी उस चीज़ पर सफ़र कर चुके हैं, उस चीज़ पर आप टाइम दे चुके, गिव अप नहीं करना है। वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट यू हैव टू कीप कंटिन्यू ऑन दैट। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा ड्रीम बिग, मतलब बड़े सपने देखो। बड़े सपने देखने के कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, मैं गारंटी देता हूँ। पर सेकेंड पॉइंट है स्किल ओवर एजुकेशन। आपकी जो स्किल्स है ना, वो किसी एजुकेशन से कम नहीं है। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी रूल्स, मतलब जो लाइफ में रूल बनाओ ना, उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। वहीं पर फोर्थ पॉइंट है ओवरकम प्रॉब्लम से ओवरकम करना आपको आना चाहिए। वहीं पर फिफ्थ पॉइंट है आपका नेवर गिव अप।